क्योंकि आप सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं बड़ी बड़ी किताबों के नाम से, ये सब झूठ है, झूठ है, फैब्रिकेशन है। ये बनी उमैया का प्रोपगंडा है, उन्होंने कत्ले हुसैन के बाद में, और इसीलिए बनी उमैया ने जिस तरह से आशूर के दिन को बरकत वाला दिन बताया, और इसीलिए वो रोजे का भी प्रोपगंडा करते हैं कि रोजा रखो, आशूर के दिन रोजा रखने के बहुत सवाल होगा। अब क्योंकि हम आजकल जो है वो हमें भी कुछ सेंस नहीं रहा है, हम तो सेंस के साथ में कुछ करते नहीं है, सोचे समझे पता चलते। एक मोमिन ने मुझे जो है वो दुआ भेजी, कहा ये दुआ जो है वो आशूर के दिन गौर का पढ़ना जो है रखे भिंदे थे, तो मैं तो ऐसी बात है कि हमारे करीबी थे तो मैंने वो दुआ देखी, मैंने तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा बंदे खुदा, बंदे खुदा ये दुआ बनी उमैया की फैब्रिकेट की हुई है, इसका आशूर से कोई रिलेशन नहीं है। इस दुआ में तो ये बताया गया है कि आशूर का दिन जो है वो बरकत का दिन है, आपको अरबी आती नहीं है, जो अरबी में लिखा हो वो सब फॉरवर्ड करने लगती है। बड़े कम से कम अगर अरबी नहीं आती है तो जिसे आती है उसको तो दिखाइए कि ये देखिए ये क्या है, इसको फॉरवर्ड किया जा सकता है कि बस ऐसे ही एक साथ में 50 लोगों को फॉरवर्ड के बटन जो है दबा दिया। आशूर के दिन रोजा नहीं है, ये बनी उमैया और इब्ने मरजाना उन गैर हलाल वालिदैन की औलाद ने हुसैन को कत्ल करने के बाद उन्होंने खुशी मनाई और उसके बाद में सेलिब्रेशन में रोजा रखा। उनकी औरतों ने मन्नत की थी हुसैन कत्ल हो जाएंगे तो हम ये करेंगे। आशूर के दिन नबी रोए हैं, नबी नंगे पैर थे, नबी के शर्ट के बटन जो है वो खुले हुए थे, और रसूल जो है आंसुओं से आवाज से रो रहे थे। आंसू की दिन बाका है, खाना पीना नहीं चाहिए एक सर्टन टाइम तक। जब यहाँ पर कल जो है वो इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद में, अज़ान के बाद में, मजालिस के बाद में, माग़रिब के बाद में, फिर यहाँ पर फाका शिकनी होगी। सुबह से उस वक्त तक परहेज करें। मौला हुसैन और उनके अजीज व अकारिब और उनके असहाब भूखे प्यासे थे, तो हम भी प्यासे रहेंगे, भूखे रहेंगे, ताकि जरा सा हमें थोड़ा सा एहसास हो कि मेरा मौला प्यासा और भूखा था तो हम भी आज जो है वो भूखे हो गए। लेकिन नीयत रोजे की नहीं है, और रोजा पूरे दिन का होता है, हम जो है वो चार बजे तक जो है वो इंशाअल्लाह वापस शिकारी कर लेंगे। एक ही बात है जो मैं कहना चाहता था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशूर का दिन बहुत गम का दिन है। आज की रात शब आशूर और कल रोज आशूर, परहेज करें, अपने को बचाइए, कोई ऐसी बात करना, कोई ऐसी जगह पर जाना जहां से हमारा दिल खुश होता हो। आशूर के दिन जोक वगैरह नहीं करना चाहिए, आशूर के दिन फजूल बातें नहीं करनी चाहिए कि हम बैठे बैठे जो हैं वो अपनी टीम के बारे में बात करें कि हमारी टीम ने ये किया और इतने गोल किए। खेल कूद या किसी भी ऐसे काम में अपने को इन्वॉल्व करना जिससे हम जो है वो हम ना मना सके। एक आदमी जो है वो रो नहीं सकता है तो ठीक है, इस तरह से अपने को बनाए, अपने को प्रेजेंट करें कि हम गम में हैं, लेकिन किसी तरह का हंसना हंसाना आशूर के दिन नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए जो है वो गुनाह कबीरा है। हम हुसैन के अजादार हैं, हम पूरे दिन जो है वो अजादार में बसर कर ऐसे बसर करना है जैसे हमारा जवान बेटा मर गया हो। तो प्लीज प्लीज खाने पीने से भी परहेज करें और ऐसी बातों से परहेज करें जिनसे किसी तरह की जो खुशी जो है वो हमारे दिल में दाखिल हो
और वो बनी उमैया का जो प्रोपेगंडा है उसको भी पढ़ना है। मेरा ये टॉपिक नहीं बना, मैं एक टॉपिक रखता कि रोजे वजह जो है उसका कहाँ से सब आया है, बनी उमैया ने क्या खेल खेला है, और आज भी बनी उमैया के वो दस्तरखान की हड्डी खाने वाले गुंडा जो है वो सब ये करते रहते हैं। उसकी सबसे ये एक बात आपको मैं कह दूँ, उस जो वो दलील बनाते हैं कि रसूलुल्लाह झूठी हदीस, वो भी बुखारी के वो झूठी हदीस है। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों ने जब से सच्चों का साथ छोड़ा है अभी तक झूठ ही बोल रहे हैं। रसूलुल्लाह मदीने में आए और वहां आपने देखा कि यहूदी जो है वो आशूर के दिन रोजा रख रहे हैं, तो पूछा कि ये क्या करते कि आशूर के दिन जो है वो रोजा रखते हैं, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, झूठी बातें गलत बातें फैब्रिकेशन मुसलमानों ने हमेशा से रहा है और आज भी है। और उनके बड़े बड़े, और मैं आपको बताऊं, आप जिस मस्जिद में जाइए, जिस मस्जिद में, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, थोड़े मुसलमान हैं जो मौला हुसैन को याद करते हैं, मौला हुसैन का तस्करा करते हैं, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों की मस्जिदें वो हैं जिसमें शबे आशूर और आशूर से पहले भी यही प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, आशूर को रोजा रखो, आशूर को रोजा रखो, आशूर के दिन ये हुआ और ये हुआ, लेकिन वो एक लफ्ज नहीं कहते कि नबी का नवासा कब हुआ। हमारे महमूद बैबदानी अल्लाह को सेहत के साथ भी उम्र अता फरमाए, ये जो है वो आज़ादारी का साल भर जो है वो इहतमाम करते हैं और खुशन माह मुहर्रम में, और उनके साथ उनकी टीम है, और मैं तो उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल हम दुआ तो उनके लिए कर ही सकते हैं। देखिए बहुत से उनका नाम जो है वो मिस हो जाता है, बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं, और चाय का भी इंतज़ाम होता है, तबरुक का इंतज़ाम होता है, और अच्छी तरह से जो है वो ये इंतज़ाम हर साल होता है, और मैं भी आपकी खिदमत में हर साल ही आता हूँ। बस अब जो है मैंने एक साल का गैप करना शुरू कर दिया है, एक साल मैं नहीं रहता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ, तो ये कोशिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में कुछ ऐसी बातें सुनाऊँ कि जो वाकई जो है वो सुनने के काबिल हो। लेकिन आज हम सिर्फ महमूद भाई बदानी हैं, और दूसरे भी हमारे महमूद भाई हैं जिनका नाम है महमूद अहमद, और बिहाइंड द सीन जो है वो जवान बहुत से जो है वो साउंड के लिए काम करते हैं, कैमरे के लिए काम करते हैं, सफाई है बहुत सी चीज़ें, उसमें से हमारे इर्तज़ा भाई हैं, फरहान भाई जमाल हैं, और वहाँ डेस्क पर बैठने वाले जो हैं हमारे सकलन भाई मेघजी हैं, सलीम भाई मोमन हैं, और मुंतजिर भाई हैं रजवानी, और खुशन आप उनको बहुत देखते हैं हमारे साथ में भी, और यहाँ पर हमारे जो है वो राजा इफ्तिखार हैदर साहब हैं, और साउंड का जो है वो खासतौर पर जो इहतमाम करते हैं वो हमारे ब्रदर तालिब हैं, और एक हमारे और भी हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ रोज साउथ ले जाते हैं, मुझे ड्रॉप करके आते हैं, उनको कोई देखता जानता नहीं है, लेकिन वो उनका नाम है हमारे भाई जो है वो हमको रोज ले जाते हैं। ये कितना अच्छा काम करते हैं, जाके हुसैन की खिदमत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जितने भी वॉलंटियर्स हैं जिनका नाम हमने मेंशन नहीं किया है या किसी तरह से रह गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार ये जो भी मोहब्बत हुसैन में करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके सरों पर जनाबे ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की चादर का साया यहाँ भी रहे और क़यामत में भी। तमाम अज़ादारान शहीद शहदा ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सलामती के लिए मिलजुल के बावाज़े बुलंद सलावात। काफ़ी तासीर हो चुकी है लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए शबे आशूर है, ज़्यादा जो मसाइल मैं बयान करूँगा। देखिए इस दुनिया में जितनी भी इंसानों की आबादी पाई जाती है, पहले थी अब है और ये सारी की सारी आबादी पॉपुलेशन जो है वो तीन हिस्सों में बटी हुई है।
एक आबादी का वो हिस्सा है जिनके वजूद में मां बाप का दखल नहीं है, एक वो आबादी है जिनके वजूद में मां बाप दोनों हैं, और एक वो आबादी है कि उनके वजूद में बाप का दखल नहीं है, सिर्फ मां का दखल है। बहुत मोटी मोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहली वो आबादी कि जिनके वजूद में, जिनकी पैदाइश में, जिनके एग्जिस्टेंस में न मां है और न बाप, वो जनाब आदम है और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। और वो आबादी कि जिनके वजूद के लिए अल्लाह ने मां बाप दोनों का जरिया बनाया है, वो इस वक्त दुनिया की सारी आबादी। और एक वो है कि जिनके वजूद के लिए अल्लाह ने सिर्फ मां को जरिया बनाया है, वो है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, उनके यहां बाप के बगैर जो है वो वजूद है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा हर शय पर कुदरत रखता है, इन्नल्लाहा अला कुल्ल शयइन कदीर। जो खुदा बगैर मां बाप के जनाब आदम और हव्वा को पैदा कर सकता है, वो हमें भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमको मां बाप के वसीले से दुनिया में भेजा। इसका मतलब यह है कि खुदा कभी कभी या ज्यादातर वसीले से काम करता है। वो मुसलमान जो वसीले के काबिल कायल नहीं है, अगर वो वसीले के कायल नहीं है, हालांकि वो दुनिया में वसीले से आ चुके हैं, मां बाप का वसीला ना होता तो वो आते ही नहीं, उनका वजूद ही दुनिया में ना होता। अल्लाह ने मां बाप के जरिए पैदा किया, आदम को मां बाप के बगैर पैदा किया, वो इसलिए है कि कहीं मां बाप के दिल में ये बात ना आ जाए कि हमारी कुदरत से या हमारी ताकत से हमारी औलाद है। कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए। अल्लाह ये कहता है, मैंने आदम और हव्वा को इसलिए बगैर मां बाप के पैदा किया कि तुम्हारे जहन में ये खन्नास ना आए कि तुम्हारी ताकत से ये औलाद आई है। ये औलाद तुम्हारी ताकत से नहीं आई है, हमारी कुदरत से आई है। ये हमारी कुदरत से आई है। दुनिया की सारी आबादी अगर ये हो भी सके कि वो बगैर बाप के हो, जैसे कि जनाब ईसा है, लेकिन मां का दखल हर जगह पर है। ये दुनिया की जो आबादी पाई जाती है, इसमें अगर जनाब ईसा के यहां बाप नहीं है लेकिन मां तो है, ये क्यों ऐसा है? मैंने जो आयत पढ़ी, ये लंबी आयत है, ज्यादा इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने जवान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये सूरह अहकाफ की सूरह नंबर 46 है और आयत नंबर 15 है, 15। इस आयत को घर पर जाकर जरूर देखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, इसलिए कि ये आयत अगर हमारे एग्जिस्टेंस में उतर गई तो हम सीधा पक्के हो जाएंगे। इस आयत में बहुत कुछ है, अब आप तलाश करेंगे, ढूंढेंगे तब आपको मिलेगा, लेकिन तर्जुमे से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं कि ये आयत अल्लाह फरमाता है, ववस्सैना अल-इंसान बिवालिदैहि एहसाना, हमने इंसान को ये वसीयत की कि अपने माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक करना। वी इंजॉय the man to be good to his parents, ye allah ne bahar apne maa baap ke sath mein acha sulook karna, kyun usme phir allah ne sirf maa ka tazkira kiya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, isliye ki uski maa ne
बहुत तकलीफ से उसे पेट में कैरी किया। और जब इंसान की मां ने इंसान को डिलीवर किया तो वो भी बहुत पेन के साथ में डिलीवर किया। देखिए, बाप का एहसान विलादत के बाद है, लेकिन मां का एहसान विलादत से पहले भी है और विलादत के बाद भी है। अब ये तो हमारी जो है वो जहालत है कि हम बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, जॉब अच्छी आ गई और उसके बाद में शादी भी हो गई, तो अब हमारा जहन जो है वो बदल जाता है। ये मैं इसलिए अपने जवान भाइयों को कह रहा हूं कि इसको जरा सा सीरियसली ले इस मैटर को। ये प्रॉब्लम सोसाइटी में बहुत बढ़ रहा है। अम्मा, तुमने हमारे साथ में बहुत कुछ किया है, अब हम ये चाहते हैं कि बस हिसाब किताब हो जाए। इनकम अच्छी है, वेजिस बहुत अच्छी है, वेजिस तो अच्छी है, घर में सबको हम रख सकते हैं, मां को नहीं रख सकते हैं, बाप को नहीं रख सकते हैं। अम्मा, तुमने बहुत किया है हमारे लिए, हम चाहते हैं कि हिसाब किताब। क्योंकि बेटा काहे का हिसाब किताब, तो वही जो आपने मुझे बड़ा किया, पाला पोसा। कभी कहा कैसी बात करती हो, हिसाब किताब कैसी बात करते हो? कभी बस मैं चाहता हूं कि हिसाब किताब कर लिया। कभी बेटा ऐसा करो, मुझे सोचने दो, मैंने तुम्हारे साथ में क्या क्या किया, तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, कभी का मौका मुझे दो ताकि हम बैठ के बात करते। तो वो थका हुआ जो है वो ऑफिस से आया, अरे के साथ बिस्तर पर थे, माँ ने जब उठाया पानी का भरा, अभी उनकी आंख साहबजादी की लग ही रही थी कि माँ ने जाके बिस्तर पर पानी डाला। वो मैट्रेस जो है वो पूरा गीला हो गया, इधर घूमता है भी पानी है, चिल्लाएगा अम्मी आपने क्या किया, मैं इतना थका हूँ, आया सो रहा था तुम और आपने पानी डाल दिया। बेटा पानी ही तो है, जरा सो जाओ, तुमको हिसाब करना था नहीं, तुमको हिसाब करना था मेरे साथ में। ये पहला हिसाब का मरहला है। ए बेटा, एक रात पानी वाले मैट्रेस पर सो नहीं सकते हो, मैंने तो कितनी रातें तुम्हारे लिए गुजारी है। इस जमाने में अगर कोई शय हमें सच्चा इंसान बना सकती है, हमें सच्चा आजादार बना सकती है, हमें अच्छा शिया इतना अशरी बना सकती है, हमें हुसैनी बना सकती है, तो हमारी जिंदगी में माँ बाप से मोहब्बत भी होनी चाहिए और उनकी खिदमत भी होनी चाहिए। फरमाते हैं कि अगर बेटा
मोहब्बत की नजर से देखता है तो ये उसका देखना इबादत है। मेरे भैया मुसल्ले पे जाने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वालिदैन बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हो देख रहे हैं, लेकिन कंडीशन है मोहब्बत की नजर होनी चाहिए। मोहब्बत की नजर जब हमारे नबी है, देखिए मैं आपसे पूछता हूं तो आप कह सकते हैं कि मौलाना आपका तो काम ही है बोलना। आजकल तो जाहिर सी बात है कि मैं क्या बताऊं आपको के कैसे कैसे बोलने वाले हैं, बस वो खत्म हो जाएगा वरना मैं उस पर जाना नहीं चाहता। देखिए वो नबी कह रहा है जिसे कुफार और मुशरिकीन भी सादिक और अमीन कहते थे। तो पूछने वाले ने पूछा, आप ये फरमाते हैं कि माँ बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, तो कौन सा रिवॉर्ड मिलता है, कौन सा रिवॉर्ड मिलता है? आपने फरमाया एक हज का सवाब खुदा देता है। माँ बाप के चेहरे की तरफ देखना, फिर आपसे गुजारिश करो कितने मोमिन जो है वो खड़े हुए हैं, ताकि वो जो है वो सवाब में शामिल हो सके। एक और मिनट के सलावत इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया एक हज का सवाब है, हज का नहीं, आप खाली सुनी रहे बस, हज का सवाब किसका? एक बार वन लुक विद लव एट पेरेंट्स, रिवॉर्ड ऑफ वन हज नहीं और क्या है हज। अब बताओ हज क्या है इस जमाने में, हज क्या है इस जमाने में? आजकल जो हज है खुशकर यूरोपियन के लिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल, नुसुक पे जाइए बैठे रहिए क्लिक करिए, शायद यूरोप गए इस साल जमाने वह क्लिक कर लिए, कब आपको न मिलता वो भी पैसा लीजिए कितना, कम से कम 10,000 pounds, 10,000 pounds। वहां खाना नहीं, वहां कोई पुरसाने हाल नहीं, किसके साथ में आपको होटल में रखा जाए कुछ। और इसके बाद ये भी पता नहीं, हम जो इतना पैसा खर्च करके, इतनी मेहनत करके, इसी इतनी मुसीबत बर्दाश्त करके हम हज पर गए हैं तो हज कबूल भी है या नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। ये भी दोनों इमाम से हमारे हादी से चौथे इमाम से भी और पांचवें इमाम से भी उनके सहाबी अबू बकर जो थे उनका मौला कितने हज करने वाले आए हैं, कितने ज्यादा हाजी, आप देखा क्या कह रहे हैं, कम बोला कितने हज, देखिए सब तमाम तिल रखने की जगह नहीं, मुहर्रम तिल रखने की। आपने फरमाया अबू बकर नजदीक उनके आंखों पर देखिए वो हाथ मामूली नहीं था, वो तो यदुल्ला था। क्या कहते क्या कहते, अब जो हाथ फेरा तो जो अबू बसीर देख नहीं सकते थे वो सब देखने लगे। क्या देखा? थोड़े से आदमी हैं, बाकी जो सब जानवर हैं जो घूम रहे हैं, और उसमें भी वो जानवर हैं जो नजीस है। कमाला ये तो इस जगह को नजीस कर रहे हैं, जल्द से मुझे उस पहली कंडीशन पर ले जाइए, आई डोंट वांट टू सी दिस। आपने फरमाया इसमें मेजोरिटी वो है जो तवाफ को कर रहे हैं लेकिन काबे को जानते ही नहीं है। क्या कहते हैं?
एक है जरूरत यानी नींद, जरूरतमंद यानी नींद। ये खुदा का करम है, उसने जरूरत को पहले पैदा किया, बाद में इंसान को पैदा किया। सूरज हमारी जरूरत है, हमसे पहले पैदा किया गया, हम जरूरतमंद हैं, दुनिया में बाद में आए। ऑक्सीजन जरूरत है, इसीलिए पहले आई, हम बाद में आए, इसलिए कि ये हमारी जरूरत है, हम जरूरतमंद हैं। ये पूरा कानून है दुनिया का कि जरूरत पहले है, जरूरतमंद बाद में है। अब अगर कोई सूरज से भी पहले है, चांद से भी पहले है, आसमान से भी पहले है, तो इसका मतलब यह है वो सिर्फ इंसानों की जरूरत नहीं है, वो कायनात की जरूरत है। यही तो आले मोहम्मद का कमाल है, सब आले मोहम्मद के जरूरतमंद हैं। आले मोहम्मद सिर्फ अल्लाह को जरूरत समझते हैं, बस। सारी दुनिया मोहताज है आले मोहम्मद की, और आले मोहम्मद सिर्फ खुदा के मोहताज है और किसी, इसलिए कि वो सबसे पहले। चलिए इमाम की बात बताऊं, आपने क्या फरमाया, आपने जब खुदा ने अखलाक को पैदा किया, अर्श को बनाया, तो अर्श के सीने पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। अल्लाह ने कुर्सी को बनाया, कुर्सी के पाए पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। अल्लाह ने पानी पैदा किया, पानी की सतह पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जमीन बनाई, जमीन के तबकात पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। आसमान बनाया, उसके कॉर्नर पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। मीकाईल को पैदा किया, उसकी पेशानी पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। जिब्राईल को पैदा किया, उसके विंग्स पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। Thank you.
मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह। ये विलायत इसलिए नक्श की गई कि ये कायनात की जरूरत है, विलायत अली कायनात की जरूरत है। ए परवरदिगारा, तूने जन्नत के दरवाजे पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह। एक जगह और भी है जो तूने बनाई है जिसको जहन्नम कहते हैं, तूने उसके दरवाजे पर नहीं लिखा अलीउल वलीउल्लाह। अजब नहीं खुदा कहेगा कुछ ऐसे भी हैं जिनको वलीउल्लाह पसंद नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको अलीउल वलीउल्लाह पसंद नहीं है, ताकि वहां जाने में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। जो लोग मोमिनीन के हैं वो पंजाब से हैं,
तुरंत सिखाई जाती है कि जब अपने पेरेंट्स के सामने जाते हैं तो वालदैन के पैर को छूते, उसको वो कहते हैं पाया। ये पंजाबी रस्म नहीं है, ये इस्लामी रस्म है भैया, ये पंजाबी रस्म नहीं है, ये तो इस्लामी रस्म है। आपने फरमाया अगर चाहते हो कि काबे को चूमो, अपनी मां और बाप के पैरों को बोसा दो। मैं आपको जवान भाई से दूसरा कहना चाहता हूं, ये चाहे जितने बूढ़े हो जाएं, ये चाहे जैसे भी हो जाएं, ये घर में हैं माँ और बाप, तो ये मत सोचना ये माँ बाप है। अल्लाह ने तुम्हारे घर में दो दो काबे रखे हैं। मक्के में तो एक है, तुम्हारे घर में दो अल्लाह ने रखे हैं। आपने फरमाया अगर माँ बाप के पैर को कोई चूमता है या जो बोसा देता है हाथ से या अपने लबों से, गोया उसने खाने काबा की चौखट को बोसा दिया। क्या बात है, क्या बात है, खाने काबा की चौखट को बोसा दिया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, उसने चाहता हूँ खाने काबा का रोल क्या है, दलील बताइए। ये खाने काबा की बात कहां से रसूल ने कही कि खाने काबा को चूमा, क्यों खाने काबा के कोई इतना अफसर है, क्या खाने काबा का रोल? खाने काबा का रोल यह है जैसे इधर है खाने काबा, हमने इधर नमाज पढ़ी, हम यहाँ पर रहते हैं, हमने इधर नमाज पढ़ी, हम लंदन में रहते हैं, ये खाने काबा का डायरेक्शन है, ये खाने काबा का डायरेक्शन है। मेरे घर में क़िबला इधर है और मैं नमाज इधर पढ़ू, क़िबला इधर है, डायरेक्शन के इधर नमाज पढ़ू, मैं 50 साल तक नमाज पढ़ता रहूं, बड़ी अच्छी क़िलात से पढ़ता रहूं, बड़े अच्छे वुज़ू से करता रहूं, खुलूस से नमाज पढ़ता रहूं और इंटेंशनली पढ़ रहा हूं, डायरेक्शन इधर है पर इधर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नमाज का क्या होगा? अरे जनाब आज तो फतवा दीजिए, आज तो फतवा दीजिए, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब यह है अगर नमाज काबे के डायरेक्शन से हट गई, चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो काबिले कबूल नहीं है। इसी तरह से अगर माँ बाप राजी नहीं है, ये काबा है काबा, अगर राजी नहीं है कुछ भी करके रहो, कुछ कबूल नहीं है। मेरी जवान बहनों, मोमिनीन और मोमिनात,
आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, सजदे में जाइए, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। लंदन में बैठे बैठे काफी की ज़ियारत, लंदन में बैठे बैठे काफी की ज़ियारत, लंदन में बैठे बैठे हज का सवाब जो है, हज अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि आपके पेरेंट्स जिंदा हैं। बीमार क्यों ना हो, जाहिल क्यों ना हो, घर से उठा के उन्हें फेंकिए मत, घूम में मत फेंकिए। ये जो हमारे यहाँ रस्म चली हुई है, पैसा हम बहुत कमाते हैं वो हम सब पे कर देंगे, माँ बाप पर इतना जुल्म। किसी ने बहुत अच्छी मुझे बात कही थी, कहा आज का जमाना कैसा है, पहले के जमाने में एक माँ बाप जो है वो 10 बच्चों को पाल लेते थे, आज 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। ऐसा होता है, अपने माँ बाप को जो है वो एहतराम करें अगर चाहते हैं खुदा राजी हो। रसूलुल्लाह की हदीस है कि वो बंदा जिसके माँ बाप उससे राजी नहीं है, खुदा उससे राजी नहीं है। माँ मेरी हो, आपकी हो, आपकी हो, माँ राजी नहीं है, खुदा राजी नहीं है। मुतवज्जह जुमला कहूं बस मसाल की तरफ जाना चाहता हूं। माँ किसी की भी हो, आलिम की हो, मुस्तहिद की हो, डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, वजीर की हो, सुल्तान की हो, अगर माँ राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। ये हमारी माँ है। अगर किसी को रसूल अपनी माँ कहे, फातिमा तू अपने बाबा की माँ है, तो अब जब तक के फातिमा जिनकी कुर्बानी बेनजीर अदीम और मिसाल दुनिया की माओ से उन माओ का तकाबुल नहीं हो सकता है जो करबला में मांगी थी। और उनमें से एक माँ अपने छोटे से अपने गुलशन के फूल को लेकर करबला आई थी। 10 मुहर्रम को जनाब अली असगर 6 महीने के हुए, रजब के महीने में विलादत है। रजब मौला ने, मदीना मौला ने 28 रजब को छोड़ा है, उससे चंद दिन पहले शहजादे की विलादत है। अभी पैदा हुए और बाबा के लश्कर में शामिल हो गए। हुसैन इस बच्चे को लेकर करबला आए। नहीं, आपने महसूस नहीं किया, हुसैन असगर को लेकर करबला आए। करबला समझते हैं, करबला यानी बलाओं की जमीन, भूख और प्यास की जमीन। असगर को लेकर आए, असगर को लेकर शरियाशूर आई। अस्हाब हुसैनी अपने खयाम में है, मौला ने सबको अपने खेमे में जमा किया। कल कयामत का दिन है, शहादत का बाजार गर्म होगा, सब कत्ल होगी। लेकिन मैं तुझसे ये कहना चाहता हूं, तुम अपनी जानों को बचा सकते हो। ये तो सिर्फ मेरे खून के प्यासे मुझे कत्ल करने के लिए आए, जाओ चलिए अपनी जान को बचा लो, चले जाओ मुझे छोड़ दो। हम आपको छोड़ कर चले जाओ, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं जाते हुए तुम्हें देख लूंगा, लो मैं चराग उठाए देता हूं। हीरे उजालों में परखे जाते हैं, हुसैन ने अंधेरे में परखे। मेरे अकबर को साथ ले जाओ, मेरे कासिम को साथ ले जाओ, मेरे असगर को साथ ले जाओ। अगर लोग तुम्हें ताना दें कि हुसैन को छोड़कर आ गए, तो उसे कहना हम अकबर को
के लिए आए हैं, हम कासिम को बचाने के लिए आए हैं, हम नन्ही सी जान की हिफाजत के लिए आए हैं। अब जो हुसैन ने चिराग फिर से जलाया तो अजब मंजर देखा, हर सहाबी की गर्दन पर तलवार है, मौला इजाजत दे हम खुद से खुद को कब्ज कर ले। हम और आप को छोड़ अपने अपने सब खेमे महवे इबादत के, हुसैन बाहर निकले, कर्बला का अंधेरा अंधेरा, हुसैन बाहर निकले, एक खेमे एक खेमे। बीवियां अपने बच्चों के पास बैठी हुई हैं, बालों को सवार रही हैं, नसीहतें कर रही हैं, ज़ैनब और मोहम्मद के पास बैठी हैं, और रबाब अपने अजगर को गोद में ले हुसैन मक्कल की तरफ गए। अंधेरा था, किसी से कुछ कहा नहीं, मौला के सहाबी थे हिलाल, हिलाल ने देखा मेरा मौला अकेला जा रहा है, कहीं दुश्मन हमला न कर दे। धीरे धीरे मौला के पीछे चलने लगे, मौला को आहट महसूस हुई, का कौन का मौला माफ कीजिएगा, मैंने आपसे इजाजत नहीं ली, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, मैं आपको तनहा जाने दूं। ए हिलाल, मौला की तन्हाई का इतना ख्याल। हिलाल कहते हैं, मौला ने मेरे हाथ पर हाथ ऐसे पकड़ा जैसे एक दोस्त अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है, मुझे मक्तल की तरफ ले गए, एक जगह पर बैठ गए, बैठ कर रोने लगे। हिलाल, यहाँ पर मेरे भाई अब्बास का दाहिना बाजू गलत हो गया, यही पंद्रह अब्बास का बाजू जो है तो जमीन पर अलग होकर गिरेगा, और आगे बढ़े एक मरतबा हुसैन बेताबाना गिर पड़े, कहा यही पर मेरा अकबर एड़ी आ रगड़े, मेरा अकबर एड़ी आ रगड़ेगा मेरे सामने। हुसैन एक एक जगह को बताते हैं। फिलहाल कहते हैं, मौला ने मेरा फिर से हाथ पकड़ा, मुझे एक नशे में ले गए, एक वैली में ले गए, और मौला कुछ कहने लगे। थोड़ी देर के बाद में मौला ने मुझे हिलाया, ए हिलाल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पर मैं कब्ज किया जाऊंगा, मेरे गले पर खंजर चलेगा और तुम सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते हो। अब मौला मैं क्या करूँ, किसी दुखियाली के रोने की आवाज आ रही, जैसे उसका जवान बेटा मर गया हो। ए हिलाल, मेरी मां फातिमा बकी से आ गई है, रूह है फातिमा करबला में है, रूह है फातिमा करबला में है। लीजिए, सुबह का सूरज नमूदार हुआ, अकबर की शहादत हो गई, कासिम मारे गए, अब बात नहर फरात के किनारे सो कोई नहीं है, बस हुसैन है। एक मरतबा आवाज, हल मिन्ना सिरिन सोना, थोड़ी देर बरसाए पढ़कर थकिएगा बता रहे। हुसैन ने सदाए से गासा बुलंद की, लाशें तड़पने लगी, मौला मौत से मजबूर है, वरना आपकी मुसरत से गुरेज न करते, 70 मरतबा जिंदा किया जाए, 70 मरतबा कत्ल करके हमें जला दिया जाए, लाख भी राख राख जो है बिखेर दी जाए, आप बुलाएंगे हम आएंगे। हुसैन की ये इस्तगाथे की आवाज खेमे में पहुंची, बीवियां रोने लगी, मातम करने लगी, हुसैन दोबारा खेमे में आए, मेरी बहन ज़ैनब ये कोहराम कैसा है, कहा भैया आपकी सदा इस्तगाथा सुन के असगर ने अपने को छूने से मेरे बच्चे को मेरे हाथ पर दो। रबाब से कहते हैं, रबाब हजूर बहुत प्यासे हैं, देख रही हो छोटा सा मुंह खुला हुआ है, होठों पर पपड़िया है, अभी अंदर चले जाएंगे, मैं जाता हूँ दुश्मनों के पास, पानी मांगता हूँ, साल खुला हुआ मुंह देख के कोई असगर के मुंह में थोड़ा सा पानी। हुसैन बच्चे को लेकर आए, इस बच्चे की क्या पता है, इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है, बच्चा मर जाएगा प्यासा, थोड़ा सा पानी दे दो। जालिम सर झुका कर रोने लगते हैं, तो पानी नहीं पिलाता है, मौला ने जमीन पर लिटा दिया और उससे पिला दो, कोई आता नहीं है, फौरन उठाया, फौरन भाग के
असगर तुम भी तो हुज्जत के खुदा के बेटे हो, बताओ तुम कितने प्यासे हो। मैं कितना सच्चा हूँ। अब एक मरतबा असगर ने सूखी जबान होठों पर गिराई, उमर साल की फौज में कोहराम है। एक मरतबा उमर साल ने कहा, ऐना ऐना हुमला, अरे हुमला कहाँ है, हुमला देखता क्या है, सब बच्चे का काम तमाम कर दे। अरे जालिम ने चिल्ला कमान में तीर जोड़ा, असगर की नंगी गर्दन का निशाना लिया, तीर गिर जाता है, नहीं चला पाए। दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा उमर साहब कहता मुझसे कोई पूछता था सबसे अच्छा तीर अंदाज कौन है, तेरा नाम लिया जाता था। अरे बच्चे से डर गया, कहा बच्चे से नहीं, मैं जो निशाना लेता हूँ देखने का पर्दा उठता है। जालिम ने बड़ा गज़ब किया, जालिम ने बड़ा गज़ब किया। एक मर्तबा एक तीर जोड़ा चिल्ले कमान में कि नालों में है, उस तीर का वजन अली असगर से ज्यादा था। नन्ही सी गर्दन का निशाना लिया, मलकून ने तीर चलाया, असगर की गर्दन पर लगा। कर्बला में मेरे हुसैन का ख्याल रखना।
हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन